वह अविस्मरणीय दिवस। गायत्री जयंती की इन पुण्य पलों में युग शक्ति के प्रेरक प्रवाह से जन मन अभिसिंचित है। भावनाएं उन भगीरथ को ढूंढ रही हैं जिनकी महातप से गायत्री की प्रकाश धाराएं बही। महाशक्ति जिनकी प्रचंड तप से प्रसन्न होकर इस युग में अवतरित हुई। वेद माता के उन वरद पुत्र को भावनाएं विकल हो खोज रहे हैं। आज युग के उन तप सूर्य की यादें उन्हीं की सहस्र रश्मियों की तरह मन अंतःकरण को घेरे हैं। यादों के इस उजाले में वर्ष 1990 की गायत्री जयंती 2 जून की भावानुभूति प्रकाशित हो उठी है, जब एक युग का पटाक्षेप हुआ था। प्रभु साकार से निराकार हो गए थे। भाव में भगवान अपने भक्तों की भावनाओं में विलीन हुए थे। उस दिन न जाने कितनी भावनाएं उमगी थीं, तड़पी थीं, छलकी थीं और बिखरी थीं। इन्हें बटोरने वाले, संजोने वाले अंतःकरण के स्वामी इन्हीं भावनाओं में ही कहीं अंतर्धान हो गए थे। सब कुछ प्रभु की पूर्व नियोजित योजना थी। महीनों पहले उन्होंने इसके संकेत दे दिए थे। इसी वर्ष पिछले वसंत में उन्होंने सबको बुलाकर अपने मन की बात कह दी थी। दूर दूर से अगणित शिष्यों भक्तों ने आकर उनके चरणों में अपनी व्याकुल भावनाएं उंडेली थी। सार्वजनिक भेंट और मिलन का यही अंतिम उपक्रम था। तब से लेकर लगातार सभी के मन में ऊहापोह थी। सबके सब व्याकुल और बेचैन थे। शांति कुंज के परिसर में ही नहीं, शांति कुंज के बाहर भी सबका यही हाल था। भारी असमंजस था। अनेक मनों में प्रश्न उठते थे, क्या गुरुदेव सचमुच ही शरीर छोड़ देंगे? अंतर मन की गहराइयों से जवाब उठता था, हाँ। पर ऊपर का मोहग्रस्त मन थोड़ा अकुलाकर सोचता, हो सकता है सर्वसमर्थ गुरुदेव अपने भक्तों पर कृपा कर ही दें और अपना देह वसन न छोड़े। मोह के कमजोर तंतुओं से भला भगवत योजनाएं कब बंधी हैं? विराट भी भला कहीं क्षुद्र बंधनों में बंधा करता है? गायत्री जयंती से एक दिन पहले रात में, यानी कि 1 जून 1990 की रात में, किसी कार्यकर्ता ने स्वप्न में देखा कि हिमाच्छादित हिमालय के श्वेत हिम शिखरों पर सूर्य उदय हो रहा है। प्रातः के इस सूर्य की स्वर्णिम किरणों से बरसते सुवर्ण से सारा हिमालय स्वर्णिम आभा से भर जाता है। तभी अचानक परम पूज्य गुरुदेव हिमालय पर नजर आते हैं, एकदम स्वस्थ प्रसन्न। उनकी तेजस्विता की प्रदीप्ति कुछ अधिक ही प्रखर दिखाई देती है। आकाश में चमक रहे सूर्य मंडल में माता गायत्री की कमलासन पर बैठी दिव्य मूर्ति झलकने लगती है। एक अपूर्व मुस्कान है माँ के चेहरे पर। वह कोई संकेत करती है और परम पूज्य गुरुदेव सूर्य की किरणों के साथ ऊपर उठते हुए माता गायत्री के पास पहुँच जाते हैं। थोड़ी देर तक गुरुदेव की दिव्य छवि माता के हृदय में हल्की सी दिखती है, फिर वेद माता गायत्री एवं गुरुदेव सूर्य मंडल में समा जाते हैं। सूर्य किरणों से उनकी चेतना झरती रहती है। देखने वाले का यह स्वप्न कुछ ही क्षणों में सुबह की दिनचर्या में विलीन हो गया। उसी दिन ब्रह्म वर्चस के एक कार्यकर्ता भाई के संबंधी की शादी थी। वंदनीय माता जी ने 2-1 दिन पहले से ही निर्देश दिया था कि शादी सुबह ही निपटा ली जाए। सामान्य क्रम में शांति कुंज के यज्ञ मंडप में शादियां 10 बजे प्रारंभ होती हैं, लेकिन उस दिन के लिए माता जी का आदेश कुछ अलग था। गायत्री जयंती के दिन यह शादी काफी सुबह संपन्न हुई। अन्य कार्यक्रम भी यथावत संपन्न हो रहे थे। वंदनीय माता जी प्रवचन करने के लिए प्रवचन मंच पर पधारी थी। प्रवचन से पहले संगीत प्रस्तुत करने वाले कार्यकर्ता जगन माता गायत्री की महिमा का भक्ति गान कर रहे थे। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, गीत की कड़ियाँ समाप्त हुईं। माता जी के भाव मुद्रा में हल्के से परिवर्तन झलके। ऐसा लगा कि एक पल के लिए वे अपनी अंतर चेतना के किसी गहरे एहसास में खो गईं, लेकिन दूसरे ही पल उनकी वाणी से जीवन सुधा छलकने लगी। प्रवचन के बाद प्रणाम का क्रम चलना था। माँ अपने आसन पर अपने बच्चों को ढेर सारा प्यार और आशीष बांटने के लिए बैठ गई।
प्रणाम की पंक्ति चल रही थी, माताजी स्थिर बैठी थीं। उनके समूचे अस्तित्व से वात्सल्य संवेदना झर रही थी। प्रणाम समाप्त होने के कुछ ही क्षणों बाद शांति कुंज एवं ब्रह्म वर्चस्व का कण कण यहाँ निवास करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का तन मन जीवन बिलख उठा। अब सभी को बता दिया गया था कि गुरुदेव ने देह छोड़ दी है। अगणित शिष्य संतानों एवं भक्तों के प्रिय प्रभु अब देहातीत हो गए हैं। काल के अनुरोध पर भगवान महाकाल ने अपनी लोक लीला का संवरण कर लिया है। जिसने भी जहां पर यह खबर सुनी वह वहीं पर अवाक खड़ा रह गया। एक पल के लिए हर कोई निःशब्द निस्पंद हो गया। सबका जीवन रस जैसे निचुड़ गया। थके पांव उठते ही न थे, लेकिन उन्हें उठना तो था ही। असह्य वेदना से भीगे जन परम पूज्य गुरुदेव की अंतिम दर्शनों के लिए चल पड़े। शांति कुंज के कंप्यूटर कक्ष के ऊपर जो बड़े हॉल में रूप में परम वंदनीय माताजी का कक्ष है, वहीं पर गुरुदेव का पार्थिव शरीर रखा गया था। महायोगी की महत चेतना का दिव्य आवास रही, उनकी देह आज चेतना शून्य थी। पास बैठी हुई वंदनीय माताजी एवं परिवार के सभी स्वजन वेदना से विकल और व्याकुल थे। माताजी की अंतर चेतना को तो प्रातः प्रवचन में ही गुरुदेव के देह छोड़ने की बात पता थी। तब से लेकर अब तक वह अपने कर्तव्यों में लीन थी। सजल श्रद्धा की सजलता जैसे हिम्मत हो गई थी, पर अब वह महावियोग के ताप से पिघल रही थी। अंतिम प्रणाम भी समाप्त हो गया था, परंतु कुछ लोग अभी हॉल में रुके थे। प्रणाम करके नीचे उतर रहे एक कार्यकर्ता को एक वरिष्ठ भाई ने ही इशारे से रोक दिया। परम पूज्य गुरुदेव की पार्थिव देह को उठाते समय माताजी ने उसे बुलाया एवं भीगे स्वरों में कहा, बेटा तू भी कंधा लगा ले। माँ के इन स्वरों को सुनकर उसका रोम रोम कह उठा, धन्य हो माँ, वेदना की इस विकल घड़ी में भी तुम्हें अपने सभी बच्चों की भावनाओं का ध्यान है। सजल श्रद्धा एवं प्रखर प्रज्ञा के पास जहाँ आज चबूतरा बना है, तो वहाँ खाली जगह थी। वहीं चिता के महायज्ञ की वेदिका सजाई गई। ठीक सामने स्वागत कक्ष के पास माताजी तख्त पर बिछाए आसन पर बैठी थी। पास ही परिवार के अन्य सभी सदस्य खड़े थे। आसपास कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ थी। सभी की वाणी मौन थी, पर हृदय मुखर थे। हर आंख अश्रु का निर्झर बनी हुई थी। आसमान पर भगवान सूर्य इस दृश्य के साक्षी बने हुए थे। कण कण में बिखरी माता गायत्री की समस्त चैतन्यता उसी दिन उसी स्थल पर सघनित हो गई थी। भगवान सविता देव एवं उनकी अभिन्न शक्ति माता गायत्री की उपस्थिति में गायत्री जयंती के दिन यज्ञ पुरुष गुरुदेव अपने जीवन की अंतिम आहुति दे रहे थे। यह उनके जीवन यज्ञ की पूर्ण आहुति थी। आज वह अपने शरीर को इदम नमम कहते हुए यज्ञ वेदी में अर्पित कर चुके थे। यज्ञ ज्वालाएं धधकीं, अग्निदेव अपने समूचे तेज के साथ प्रकट हुए। वातावरण में अनेक की अनेक सिसकियां एक साथ मंद रव के साथ विलीन हुई। समूचे परिवार का कण कण और भी अधिक करुणाद्र हो गया। सभी विह्वल खड़े थे। परम तपस्वी गुरुदेव का तेज अग्नि और सूर्य से मिल रहा था। सूर्य की सहस्रों रश्मियों में उनकी चेतना के स्वर झर रहे थे। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वे स्वयं कह रहे हों, तुम सब परेशान न हो, मैं कहीं भी गया नहीं हूँ, यहीं पर हूँ और यहीं पर रहूँगा। मैंने तो केवल पुरानी पड़गी देह को छोड़ा है, मेरी चेतना तो यहीं पर है। वह युगों युगों तक यहीं रहकर यहाँ रहने वालों को, यहाँ आने वालों को प्रेरणा व प्रकाश देती रहेगी। मैं तो बस साकार से निराकार हुआ हूँ। पहचान सको तो मुझे शांति कुंज के क्रियाकलापों में पहचानो, ढूंढ सको तो मुझे अपने हृदय की भावनाओं में ढूंढो। वर्ष 1990 की गायत्री जयंती में साकार से निराकार हुए प्रभु के इन स्वरों की सार्थकता इस गायत्री जयंती की पुण्य वेला में प्रकट हो रही है। हम सबको उन्हें शांति कुंज रूपी उनके विराट शरीर की गतिविधियों में पाना है और स्वयं को इनके विस्तार के लिए अर्पित कर देना है। अखंड ज्योति मई 2002। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।
धन्यवाद।